भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचवें टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जीत हासिल कर ली है। एजबेस्टन टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। पटौदी ट्रॉफी का पांचवा टेस्ट मैच एजबेस्टन में खेला गया, जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में टीम इंडिया ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और 416 रन पहली इनिंग्स में बनाए। जवाब में खेलने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही। पहले विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी देखने को मिली। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की मैच में वापसी कराई। उन्होंने लगातार 2 विकेट्स निकाले, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि टीम इंडिया इस मैच में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेगी। लेकिन जो रूट और जॉनी बेरिस्टो ने कमाल की बल्लेबाजी की। चौथे दिन का खेल खत्म होते होते जॉनी बेरिस्टो और जो रूट ने तेजी से रन बनाए और ये मैच इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। पांचवें दिन इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 119 रन और इंग्लैंड की तरफ से जो रूट और जॉनी बेरिस्टो के बीच साझेदारी लगातार बढ़ती गई और इस मैच को इंग्लैंड ने आसानी से अपने नाम कर लिया। इस मैच में जो रूट ने नाबाद 142 रनों की पारी खेली, तो वहीं जॉनी बेरिस्टो ने भी कमाल की बल्लेबाजी करी। उन्होंने नाबाद 114 रन बनाए। पांचवें टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया इस मैच को नहीं जीत पाई। पटौदी ट्रॉफी को इंग्लैंड ने ड्रॉ करा दिया है, जहां एक समय में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगी और सीरीज को अपने नाम कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने पांचवा टेस्ट मैच जीत लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार एबीपी लाइव के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा।